हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस मोंटी के बेस टेबल बोर्ड का वायरिंग करेंगे। बेस टेबल से लेकर ऑक्स केबल, पावर सप्लाई और भी जो ऑक्स केबल का आउटपुट वायर है, वो सारे हम इस वीडियो में वायरिंग करना सीखेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस बेस टेबल के बोर्ड का वायरिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो पोटेंशियोमीटर आपके लगने वाले हैं, जिसमें से एक बेस का होगा और दूसरा ट्रेबल का होगा। वॉल्यूम के लिए मैं नहीं बताऊंगा, वॉल्यूम के लिए एक ऑक्स केबल यूज़ करना है। और अगर आपका रिक्वायरमेंट होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तब मैं आप लोगों को वॉल्यूम का भी वायरिंग ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, एक बेस के लिए यूज़ करना है 10 kΩ का पोटेंशियोमीटर। अगर आप 100K का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें क्या होगा कि ज़्यादा आपको घुमाना पड़ेगा, तब वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा या घटेगा। और दूसरा जो ट्रेबल के लिए भी हमें 10 kΩ के ही पोटेंशियोमीटर को यूज़ करना है। तो ये दोनों पोटेंशियोमीटर्स रहा मेरा, एक ऑक्स केबल है और कुछ इस तरह से हमें इसमें कनेक्ट करना है। ये बड़ा वाला कैपेसिटर है, उसके नेगेटिव हमारा नेगेटिव हो जाएगा ग्राउंड, और ये जो दो छोटे छोटे कैपेसिटर है उसके नेगेटिव में हमें लेफ्ट और राइट चैनल के राइट चैनल का इनपुट कनेक्ट करना है ऑक्स केबल वाले वायर को। इस साइड में आप देखिए, यहाँ पे तीन पॉइंट्स है, एक लेफ्ट चैनल का इनपुट जाएगा, एक राइट चैनल का इनपुट जाएगा और बीच वाला ग्राउंड का इनपुट जाएगा। तो मैं इन तीनों वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो लेफ्ट चैनल के लिए मैं इस ऑरेंज वाले वायर को कनेक्ट करता हूँ और ग्राउंड मेरा ये है येलो वायर, तो इस ग्राउंड वाले वायर को मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। तीसरा बचा हमारा राइट चैनल का, तो राइट चैनल का भी इसी में से इनपुट कर दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे गाइज, ये जो वायर यहाँ से यहाँ गया है वो इसी छोटे कैपेसिटर का नेगेटिव में गया है। आप देख सकते हो, एक चैनल का ये, दूसरे चैनल का इसमें चला गया। तो कुछ इस तरह से इसमें ऑक्स केबल का इनपुट चला गया। अब यहाँ से हमें ऑक्स केबल का आउटपुट भी लेना है, जो कि एम्पलीफायर के इनपुट में जाएगा। तो उसके लिए इस साइड से जस्ट अपोजिट पे यहाँ पे देखिए, तीन पिंस लगे हुए हैं, एक लेफ्ट राइट और बीच वाला ग्राउंड का हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, और यहाँ देखिए, इसका जो आउटपुट आया है वो इन दोनों रजिस्टर से आउटपुट आया है। तो रजिस्टर्स वाले साइड में से हमें यहाँ से आउटपुट लेने हैं। तो यहाँ पर भी मैं तीन वायर को कनेक्ट कर देता हूँ डायरेक्टली, एक वायर, एक राइट का और ग्राउंड का। अब ये जो तीन वायर हमारा आउटपुट आ गया, ये एम्पलीफायर बोर्ड के इनपुट में जाएगा। ऑक्स केबल का इनपुट आउटपुट वायर हमारा कनेक्ट हो गया। अब इसमें से मैं कनेक्ट करने बताता हूँ पावर सप्लाई के वायर को। इस बोर्ड में भी हमें 12 वोल्ट का इनपुट पावर सप्लाई देना होता है, उसका पॉजिटिव हमें इस जगह पे कनेक्ट करना होता है और नेगेटिव इस जगह पे। अब ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे जाता है, यहाँ से आकर के अब ट्रेस कीजिए। देखिए, नेगेटिव हमारा यहाँ पे कनेक्ट हम करते हैं, तो यही नेगेटिव हमारा जाता है इस कैपेसिटर के नेगेटिव में। और पॉजिटिव देखिए, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये 1 kΩ रजिस्टर के थ्रू होते हुए इस कैपेसिटर के पॉजिटिव में जाता है। जिस तरह से यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, उसी तरह से प्रिंट इस साइड में भी किया हुआ है। यहाँ से कंडक्ट होगा लेकिन इस साइड से कंडक्ट नहीं होता है, तो सोल्डर हमें इसी साइड में करना पड़ेगा। तो पावर सप्लाई के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक अडप्टर का, बैटरी से भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अडप्टर का पॉजिटिव इस जगह पे कनेक्ट करना होगा और नेगेटिव इस जगह पे। ग्राउंड यहाँ पे सभी का सेम होगा, ऑक्स का जो लेफ्ट जो देखिए, ऑक्स का ग्राउंड वाला यहाँ पे कनेक्ट है और पावर सप्लाई का ग्राउंड भी यहाँ पे कनेक्ट है। उसी तरह से इस साइड में भी देखिए, जो ऑक्स केबल का ग्राउंड वाला यहाँ पे है, वही वाला ग्राउंड इस साइड से ऐसे होते हुए, इधर से होते हुए यहाँ पे गया हुआ है, यानी कि कॉमन ग्राउंड हो गया। अब यहाँ पे मेन फंडा आता है बेस और ट्रेबल का वायरिंग। तो बेस और ट्रेबल के लिए इस साइड में आप देखिए कि यहाँ पर ज़्यादा कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। यहाँ से आउटपुट हमारा ट्रेबल का आएगा और इस साइड से बेस का आउटपुट आएगा। तो ट्रेबल का आउटपुट लेने के लिए यहाँ पर देखिए, तीन पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, इस साइड में भी 1, 2, 3, एक चैनल का इस साइड से ट्रेबल का आउटपुट आ जाएगा और एक साइड से इस साइड से ट्रेबल का आउटपुट आ जाएगा। वहीं बेस का आउटपुट के लिए यहाँ पर देखिए, एक चैनल का इन तीनों से आ जाएगा और एक चैनल का इन तीनों से आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसमें से वायरिंग करके सारा ले आना है। तो इन सारे को मैं वायरिंग कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो इनपुट हमने ऑक्स केबल से दिया, अब इसको इस साइड घुमा देना है
मैं आपको बताता हूँ सही डायरेक्शन में कैसे वायरिंग होगा। तो ये देखिए, इस साइड से घुमाने के बाद कैपेसिटर आपका लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए बेस के लिए ये रहा, तो इनपुट हमें इसमें देना है। इनपुट मतलब कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर है उसका पहला वाला पिन जो होता है वो इनपुट वाला होगा, जो इनपुट आएगा पोटेंशियोमीटर में, जैसे ऑक्स केबल का इनपुट देते हैं ना किसी में, तो वो वाला यहाँ पे। तो पोटेंशियोमीटर का पहले वाला पिन हमें कनेक्ट करना है इसी वाले, इसके फर्स्ट साइड वाले में। तो जैसे कि देखिए ये एलो वायर है मेरा, एक पहले साइड में कौन सा है, एलो वायर, उसके बाद से इस दूसरे चैनल में है ग्रीन वाले वायर। तो एलो वायर को हमें कनेक्ट करना है एक इस साइड में, एलो वायर, और दूसरे चैनल में कौन सा था, ग्रीन वाला वायर था, तो ग्रीन वाले वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये ग्रीन वाला वायर आ गया दूसरे चैनल में, ग्रीन वाले वायर को मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। उसके बाद बीच में जो है वो देखिए, ब्लू एक साइड में है, एक साइड ऑरेंज है, तो बीच वाले को बीच में ही रहने देना है, बीच वाले से कोई फंडा नहीं होता है। पोटेंशियोमीटर का जो बीच में कनेक्टेड है वही हमें इसमें भी बीच में कनेक्ट कर देना है। एक चैनल का इस साइड हो गया, दूसरे चैनल का हो गया, बाकी यहाँ पे जो एक वायर छूट गया वो तीसरे वायर को तीसरे में कनेक्ट कर देना है, बस कहानी खत्म। ये आपका सही डायरेक्शन में हुआ है। कभी कभार क्या होता है कि अपोजिट साइड में कनेक्ट हो जाता है यह वाला वायर, तो उसके लिए आपको क्या होता है उसमें कि जब आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे या तो फिर वॉल्यूम जो बेस बढ़ाएंगे तो बेस घटेगा, और बेस घटाएंगे तो बेस बढ़ने लगेगा, वो अपोजिट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से इसकी वायरिंग्स कंप्लीट हो गया, एक चैनल का, इसमें एक चैनल का नहीं सॉरी, यहाँ पे दोनों चैनल का हो गया ट्रेबल का वायरिंग। उसी तरह से हमें बेस का वायरिंग भी कर लेना है, सेम इसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने किया इसमें। देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, पीला वाला वायर इस साइड लगाना है, पीला वाला वायर को मैं इस साइड लगा देता हूँ, क्योंकि ये इनपुट ये जाएगा उसके बाद फिर इस साइड में, बीच वाला तो बीच में हो जाएगा, रेड वाला इस साइड में जाएगा, ये इस साइड में कनेक्ट हो गया। उसके बाद बचा तीन वाले वायर, तो तीन वाले वायर से हम उसी तरह से मैंने किया है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कर देता हूँ मैं। गाइज कंफ्यूजन वाली बात ऐसे हो जाती है ना, क्योंकि इस बोर्ड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इन कौन सा है, आउट कौन सा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यही दिक्कत वाली बात हो जाती है। बट कोई ना, मैं तो आप लोगों को सही से समझा दिया हूँ, आप वीडियो देख करके सही से आप समझ सकते हो। एक बार मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने इसमें वायरिंग किया हुआ है। ये देखिए पिल्ला पोटेंशियोमीटर का कुछ इस तरह से रखना है, और पहला साइड में जो आता है पिल्ला वाला, तो इस पिल्ले वाले को इस साइड मैंने कनेक्ट किया है, और उस साइड वाले चैनल में देखो ग्रीन वाला आता है, तो ग्रीन वाले को इस साइड में मैंने कनेक्ट किया है, और यहाँ पर देखिए इस साइड में कैपेसिटर को रख लेना है पहले, ठीक है, कैपेसिटर साइड यह साइड रहेगा, तब उस तरह से हमें करना है, तब सही डायरेक्शन में हमारा होगा। अब बस कुछ इस तरह से यह बेस टेबल का वायरिंग हो चुका है, और आप इस बेस टेबल के वायरिंग को यूज़ कर सकते हो कोई भी एम्पलीफायर बोर्ड में। मैं एक कोई एक एम्पलीफायर बोर्ड में कनेक्ट करके आप लोगों को यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस बेस टेबल के सर्किट बोर्ड को मैंने इस एम्पलीफायर बोर्ड में लगा दिया है, TPA 3110, और पावर सप्लाई मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, और यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पर भी 12 वोल्ट सेम पावर सप्लाई दे दिया हूँ। ऑडियो का केबल जो यहाँ से आउट निकाला था वो मैंने इनपुट इस एम्पलीफायर बोर्ड में दे दिया है, और यहाँ से दो स्पीकर कनेक्ट कर दिया हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे वायरिंग्स वही है, अब मैं कोई भी म्यूजिक चेक करके बेस टेबल इसको दिखा देता हूँ इसका। ये है बेस का, ये है ट्रेबल का, ट्रेबल। अब देखिए बेस, बेस मैंने अभी पूरा कम कर रखा है, तो कुछ इस तरह से आप इस मोंटी का बेस टेबल सर्किट बोर्ड को
यूज़ कर सकते हो, वायरिंग्स कर सकते हो अपने से, और इसको यूज़ कर सकते हो कोई सा भी एम्पलीफायर बोर्ड में। और इसका वायरिंग्स इस तरह से है गाइस, तो आप भी घर पे खुद से कर सकते हो, अब आपके लिए आसानी हो ही गई होगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी। पसंद आई यह वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में।